मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव बुधवार को इंदौर दौरे पर रहे, जहां देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के आरएनटी मार्ग स्थित उन्होंने पत्रकारों से चर्चा की और प्रदेश के युवाओं की क्षमताओं को अनलॉक करने के प्रयास की नई युवा नीति के बारे में जानकारी दी। उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश शासन द्वारा प्रस्तावित युवा नीति के लिए उच्च शिक्षा विभाग द्वारा कई महत्वपूर्ण विषयों को शामिल करने का निर्णय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के आग्रह पर लिया गया है। मंत्री श्री यादव ने कहा कि नई युवा नीति प्रदेश के युवाओं की क्षमताओं को अनलॉक करने का प्रयास होगा। विकास के लिए भविष्य के 10 साल के दृष्टिकोण की कल्पना इस युवा नीति में की गई है। मंत्री यादव ने कहा कि प्रदेश के विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों में युवा नीति के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को दृष्टिगत रखते हुए सुझाव लिए जाएंगे। वहीं युवा नीति का उद्देश्य उसकी प्राथमिकता और आवश्यकता के क्षेत्र को विशेष रूप से केंद्र में रखा जाएगा। इस नीति में व्यावसायिक विषयों और रोजगार उन्मुखी शिक्षा को प्रोत्साहित किया जाएगा। यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में कुटीर उद्योग की स्थापना, इंक्यूबेशन केंद्रों के माध्यम से स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करने के लिए प्रयास इस युवा नीति में होंगे। वहीं विद्यार्थियों को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित भी किया जाएगा। मंत्री मोहन यादव ने बताया कि नीति निर्माण के संबंध में यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में सुझाव पेटी रखी जाएगी। वहीं फोन और ऑनलाइन माध्यम से भी विद्यार्थी अपने सुझाव प्रेषित कर सकेंगे। आयुक्त कार्यालय में एक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। ये नंबर तो हम तुरंत आज ही निकालने वाले हैं, लेकिन ये मोटे तौर पर अपने हम 20 से 30 का 10 दिन का अभियान चलाने वाले हैं, लेकिन वो समय कम नहीं रहे, इसलिए पर्याप्त समय अभी से बात कर रहे हैं। आज 14 तारीख है, 5-6 दिन पहले से हमने अभियान चलाया। बना के देने वाले बनेगी उनके सुझाव के आधार पर ही, लेकिन सुझाव युवाओं से ले रहे हैं कि युवा नीति में क्या क्या जोड़ा जाना चाहिए, किस प्रकार से उनके दिमाग में कोई सुझाव है, आइडिया है, वो सबको जोड़ने के लिए हमने नंबर भी घोषित किया, जिसमें वो अपने लिंक से अपने सुझाव भेज सकते हैं या कॉलेजों में यूनिवर्सिटी में सजेशन बॉक्स भी रखेंगे जिसमें वो अपने सुझाव दे सके। अरे आप थोड़ा सा अंतर कर रहे हैं, नई शिक्षा नीति अलग है, युवा नीति की बात कर रहे हैं, आज युवा नीति की बात कर रहे हैं। जैसे शिक्षा के बाद में भी युवाओं का अपने जीवन में किस प्रकार सा उपयोग हो, उसके मन में और अपनी कल्पना क्या है, वो कैसे अपने समय का सदुपयोग करे, देश और दुनिया के परिप्रेक्ष्य में, अब दुनिया छोटी हो गई, डिजिटल हो गई है, तो उसमें वो अपनी भूमिका कैसे निभाए। यह हमारे स्वरोजगार के बहुत सारे कार्यक्रम चल रहे हैं, उन कार्यक्रमों के दरमियान में भी और क्या सुधार करना चाहिए, किस प्रकार से बढ़ना चाहिए, युवा नीति के माध्यम से कल्पना तो हमने हमारे लेवल पे की है, कुछ बिंदुओं को लेकर के जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा। इसमें एक अपने